नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेनू माथुर। सुशांत सिंह राजपूत के जाने से कई लोग गमगीन हैं। उनकी मौत के लगभग दो हफ्ते बाद भी एक्टर के करीबी उनकी फोटोज और वीडियो शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा के डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने भी एक्टर के फिल्मी सफर का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर कर मुकेश ने टीम की ओर से सुशांत को श्रद्धांजलि दी है। वीडियो में सुशांत की पहली फिल्म काई पोछे से लेकर एमएस धोनी, केदारनाथ, पीके, छिछोरे जैसी सभी हिट फिल्मों के शॉर्ट क्लिप्स दिखाए गए हैं। इसी के साथ ही मुकेश छाबड़ा ने लिखा है कि वो लड़का जो किसी भी ऑडिशन में फेल नहीं हुआ, करोड़ों लोगों के दिलों को अपने टैलेंट से जीता और सभी के दिलों में हमेशा के लिए रहने का फैसला किया। हमारी टीम की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत और उनके सफर को श्रद्धांजलि, जिसे हमेशा खुशी से याद किया जाएगा। रेस्ट इन लव। आपको बता दें कि मुकेश छाबड़ा सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म के डायरेक्टर हैं। ये मुकेश का डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू है। एक्टर की मौत से उनके दोस्तों, परिवार और फैंस को जितना बड़ा झटका लगा, उतने ही आहत मुकेश भी हुए हैं। वो इससे पहले भी सुशांत के लिए पोस्ट कर चुके हैं। पिछले पोस्ट में मुकेश ने बताया था कि सुशांत सिर्फ उनकी फिल्म के हीरो ही नहीं बल्कि उनके अच्छे दोस्त भी थे, जिसने बुरे वक्त में भी मुकेश का साथ दिया। मुकेश ने पोस्ट में ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनसे वादा किया था कि उनकी पहली फिल्म में वो काम करेंगे। वो वादा तो निभा गए, लेकिन मुकेश को उनके बिना इसे रिलीज करने का काफी दुख है। मुकेश छाबड़ा ने ये अनाउंस किया था कि दिल बेचारा को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। वो कहते हैं कि हमें खुशी है कि हम इस महान कलाकार की लिगेसी को बरकरार रखने के लिए कुछ कर पा रहे हैं। दिल बेचारा को सीधे डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया जा रहा है। फिल्म को सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइबर दोनों देख पाएंगे। फिल्म दिल बेचारा की बात करें तो ये हॉलीवुड फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की रीमेक है। फिल्म में सुशांत के ऑपोजिट संजना संघी को कास्ट किया गया है। फिल्म में सैफ अली खान का भी कैमियो देखने को मिलेगा। फिल्म के साथ म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान और अमिताभ भट्टाचार्य भी जुड़े हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।